वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। या आपका नीरव मोदी वाले जो केसेस थे उसको इतना समय इंतजार नहीं करना पड़ा, ठीक है। और जो ये पहला वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट के लिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा बुक रेफर करवाना चाहूंगा। तो वो बात कर रहे थे कि लॉस की वैल्यू, इसका मैं लिख देता हूं यहां पे कि इफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज लेस देन 10%, लेस देन 10% है अगर सिक्योरिटी की वैल्यू, तो कोई भी अकाउंट, आप देखिएगा जरा यहां पे, कोई भी अकाउंट, यहां पे ये स्टैंडर्ड अकाउंट था, ये सीधा अकाउंट हमारा लॉस में आ जाएगा इस रास्ते से। कब? अगर उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से कम हो, चाहे वो स्टैंडर्ड से आए चाहे वो एनपीए से आए, यानी किसी भी सेक्शन से, कहीं से भी, जैसे होता है ना सांप सीढ़ी खेलते हैं हम लोग, वो गेम खेलते हैं ना सांप सीढ़ी, यहां पे ऐसे ऐसे सांप बना होता है, आप यहां पहुंच जाते हैं 99 पे और तुरंत आ जाते हैं कहां पे, 7 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा। कंडीशन क्या है? सांप के मुंह पे नहीं जाना है। सांप के मुंह पे जाने का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपकी लेस देन 10% से, 10% से कम नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक क्लॉज और है, ये भी है कि जो सब स्टैंडर्ड के अकाउंट है उनके लिए अलग क्लॉज है, वो मेरे को अभी दिखा नहीं, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है, लेकिन ये मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको। तो इतनी बात क्लियर हो गई। हमने बोला कि जैसे ही 10% सिक्योरिटी हो जाएगी तो स्टैंडर्ड अकाउंट होते हुए भी वो नीचे आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, एक कार लोन हमने दिया हुआ है और यहां पर सपोज कीजिए उसका जो है 21 अप्रैल 2020 को उसकी जो कार है वो कार जो है टकरा जाती है किसी ट्रक से और वो जो है बिल्कुल डैमेज हो गई, ट्रक से टकरा के क्या हो गई, डैमेज हो गई, और उसका इंश्योरेंस नहीं था। होता है ना इंश्योरेंस भी, उसका इंश्योरेंस नहीं था तो क्या होगा, उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो गई, 10% से स्क्रैप में चली गई, किलो के भाव से जाएगी, तो स्क्रैप में अगर आ गई तो उसका दो, उसी दिन आप उस अकाउंट को उस महीने में लॉस में दिखा दोगे। आप फिर इंतजार नहीं करोगे इन बातों का कि क्या क्या है करके। चलो एग्जांपल ले लिया, हमने गाड़ी ली थी, ये कार न्यू कार थी, 6 लाख की, 6 लाख की कार थी, एक्सीडेंट के बाद इसकी कॉस्ट हो गई 50,000, तो सिक्योरिटी थी ना इसमें, जो सिक्योरिटी वाले लोन नहीं उस पर लागू नहीं होगा, ये जो क्लीन लोन्स होते हैं, क्लीन लोन्स में तो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जब सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसका मतलब जीरो सिक्योरिटी है। तो अधिकतर क्या करते हैं जो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन वाले, जो प्राइवेट बैंक लोन देते हैं, तो उसमें ज्यादा इंतजार नहीं करते, तुरंत राइट ऑफ कर देते हैं, लॉस में दिखा देते हैं तुरंत, ये D1 D2 का चक्कर नहीं करते वो, क्योंकि जब सिक्योरिटी नहीं है तो ये मान लेते हैं आने की उम्मीद अब नहीं है, रिकवरी एजेंट्स को देते हैं, वो रिकवरी कर देते हैं, कंपनियां हैं, लीगल सूट करते हैं वो लोग। मुझे आप ये बताइए, इस अकाउंट की पोजीशन यहां पर हमने बोला कि ये जो इंटरेस्ट है उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है, फाइनेंशियल ईयर कहां बंद हुआ हमारा, फाइनेंशियल ईयर बंद हुआ यहां पर, यहां पे कुछ कुछ ऐसी बातें हमें करनी है 31 मार्च 20 में। ये जो इंटरेस्ट अप्लाई हुआ था दो बार, जिसमें था 3000, जिसमें क्या था 3000 और 3000, 3000 प्लस 3000,
ये है अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं यू आई। यहां सुन लीजिएगा, अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट, अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट। तो कितना हो गया अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट? 6000 रुपए हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात बिल्कुल। स्क्रीन पे एक हमारी डेट बीच में आई थी, ये वाली एक डेट हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। दिस डेट इज 31 मार्च 21। इस 31 मार्च 21 में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी थी? देखिए, इस 30 मार्च 21 में एक तो हमने ये बताया आपको अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट। अब इस दिन आप क्या करेंगे? आप बैलेंस शीट में जो भी इंटरेस्ट दे रहे थे, तो 31 मार्च को आपका अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट पता है कौन सा होगा? एक ये 4000 और एक ये 4000। इन दोनों को मैं यहां ला रहा हूं, इन दोनों को मैं यहां ला रहा हूं और लिख रहा हूं 4000 प्लस 4000। ठीक है, इक्वल टू क्या है? 8000। ये जो 8000 है हमारे लिए, ये भी यू आई है। क्या है हमारे लिए? यू आई, जैसा यू आई हमने यहां लिया था, ये वाला। ठीक है, लेकिन 31, यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा, 31 मार्च 21 को आपका सीए आपके बैलेंस शीट में क्वेश्चन मार्क कहता है कि जो ये 8000 रुपए हैं, ये 8000 रुपए तो आपको आए नहीं, अनरियलाइज इंटरेस्ट हो गए, और पिछले साल भी आपने 6000 रुपए जो नहीं ले पाए थे उसका भी जिक्र नहीं किया, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, यू आई पी वाई। क्या बोला मैंने? अनरियलाइज इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। क्लियर हो गई बात? इसकी बात कर रहा हूं मैं, यू आई पी वाई की। ये कई बार फुल फॉर्म में पूछता है यू आई पी वाई क्या? रिवर्सिंग होगी। क्या रिवर्सिंग होगी? एंट्री बता देता हूं मैं। आपका जो इंटरेस्ट अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट जहां पे आप लोग अपनी अर्निंग डाल रहे थे, वो डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा आईएनसी अकाउंट में। कहां जाएगा? इंटरेस्ट नॉट कलेक्टेड अकाउंट में, और डेबिट क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है आपको? रिवर्सिंग अकाउंट खुलता है, रिवर्सिंग अकाउंट में आपका यूआईपी अनरियलाइज इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, यूआईपीवाई का मतलब अनरियलाइज इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अब पता लग गया, आपको इंटरेस्ट अकाउंट को रिवर्स करना पड़ता है और उस बार आपका जो प्रॉफिट है वो डाउन हो जाता है उतने अमाउंट से। अब हम बात करते हैं कि अगर वो पैसा बीच में दे देता है तो, अगर वो पैसा हमको बीच में दे देता है तो क्या होगा? देखिए जरा, हमारा जो ये अकाउंट था, इस अकाउंट में हम लोग बात कर रहे थे वो पैसा नहीं दे रहा है। अब हम कहते हैं पैसा दे दिया साहब उसने। सपोज कीजिए, यहाँ पे एक एंट्री में बना देता हूँ और आपको बताना है कि उससे क्या फर्क पड़ेगा उस पर। उसने जो है 20 अप्रैल को 3000 रुपए दे दिए साहब। 20 अप्रैल को 3000 रुपए उसने क्रेडिट दे दिया। तो 20 अप्रैल को अगर वो क्रेडिट कर लेगा उस अकाउंट में तो क्या फर्क पड़ेगा? स्क्रीन पे देखिए, 20 अप्रैल कहां आती है वो बता देते हैं आपको।
20 अप्रैल आपकी आती है यहां पर, 20 अप्रैल यहां आ रही है, यहां उसने जो है आपको 3000 रुपए दे दिए। 3000 रुपए देते ही, 1 रुपया देते ही, 100 रुपया देते ही उसने अपनी जो 90 डेज वाला क्लॉज था उसको 1 महीने खिसका लिया। उसको कितना खिसका लिया? क्योंकि वो 3 से कम में आ गया और उसने 3000 रुपए पार्शियल, इसको बोलते हैं पार्शियल रिकवरी। अब वो चाहे इंटरेस्ट में जाए चाहे वो प्रिंसिपल में जाए, अगर उसने कुछ भी पैसा जमा कर दिया तो उसने 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। इसलिए आप लोग देखते हैं कि चलो 1000 ही रुपए जमा कर दो भैया, 31 मार्च हमारा चला जाए, 31 मार्च को 1000 रुपए जमा हो जाए, वो चला जाए, और जैसे ही वो चला जाएगा तो फिर देखेंगे, फिर हमारे पास 1 साल मिल जाता है। लेकिन अगले महीने से अगला महीना लेने के लिए, अगले महीने से अगला महीना लेने के लिए कम से कम 1 ईएमआई विद इंटरेस्ट उसको देनी होगी। पहली बात तो 1 महीने खिसकाने के लिए तो उसको जो है 1000 रुपए भी काफी हैं। क्यों? कुल मिला के फंडा क्या है जो हमने बकेट वाला सिस्टम बताया था? कुल मिला के फंडा यह है कि अगर उसका बैलेंस 90 डेज का मतलब 3 ईएमआई और इंटरेस्ट उसका, अगर उससे एक भी पैसा ज्यादा ड्यू है तो वो एनपीए है। तो अधिकतर कोशिश करी जाती है कि जब 3 ईएमआई पे आते हैं तो हम लोग उसको जो है क्या करते हैं, कोशिश कर लेते हैं कम करने की। इफ डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड, तो इसमें अधिकतर जो सीसी के अकाउंट होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें लिमिट रिन्यू करनी पड़ती है। क्या क्या चीजें हो सकती है? इंश्योरेंस के बाद होता है हमारा लाइसेंस के बाद होता है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है, और जीएसटी वगैरह के कोई पेपर्स हैं। तो उसने बोला ड्यू डेट जब है, ड्यू डेट में प्लस 90 डेज का उसे मिलता है मोरेटोरियम, और जब ये 90 डेज का भी मोरेटोरियम पूरा हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, 90 डेज और वेट करते हैं, 90 डेज वेट करते हैं। इसका मतलब मोटा मोटा कह लीजिए आप 180 डेज। क्लियर हो गया? तो ये वो पेपर्स हैं, वो पेपर्स नंबर, जैसे हम कह दें कि भाई 31 मई को आने चाहिए ड्यू है, तो आप प्लस 90 दिन कर लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 31 अगस्त हो जाएगा, और प्लस 3 महीना 180 डेज, तो उसमें आपका आ जाएगा 180 डेज और जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 30 नवंबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस रात को वो नहीं देता है तो ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा फॉर द टेक्निकल ग्राउंड। इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? टेक्निकल ग्राउंड। ठीक हो गया, ये डाउट दूर हो गया आप लोगों का? गुड। अब लोग थकने लग गए, लोग भागने लग गए। एक चीज अब देखते हैं, हमने बोला पार्शियल रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट। पार्शियल रिकवरी में हमने बोला कि पार्शियल रिकवरी इसमें बोलते हैं कि जो ओवरड्यू अमाउंट 3 ईएमआई लेस देन 3 ईएमआई होना चाहिए, लेस देन 3 ईएमआई होगा, तो अगर लेस देन 3 ईएमआई होगा तो वो
एनपीए नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही थ्री और मोर ईएमआई ड्यू है उसकी, ओवर ड्यू है, तो वो एनपीए होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब और चीजें बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से जो अकाउंट है एनपीए हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। कुछ तरह के एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, और उन एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल तो हम केसीसी का लेते हैं, क्योंकि केसीसी में बहुत डाउट होता है। केसीसी का एग्जांपल, किसका एग्जांपल? केसीसी का जो ड्यू डेट होता है वो आमतौर पर हार्वेस्टिंग सीजन को प्लस मार्केट पीरियड, मार्केटेबल पीरियड। इसका मतलब ये है कि अगर अप्रैल में आपको पता है कि वीट जो है कटता है, और अप टू जुलाई उसकी सेल होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें ड्यू डेट आम तौर पर दो होते हैं, एक तो होता है जुलाई, और अगली जो खरीफ का होता है उसका होता है जनवरी। तो अधिकतर बैंकों ने जो ड्यू डेट रखी हुई है आपके क्रॉप की, वो क्रॉप की डेट जो है जनवरी एंड जुलाई रखी है, ठीक है। अभी वो बैटरी बदल देंगे ना उसकी। चलो आगे देखो, तो इसमें ये होता है दो तरह की क्रॉप होती है आपके पास, एक होता है शॉर्ट क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ये क्या होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, और एक होती है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जिसमें अधिकतर जो है वो आता है सुगर केन आता है, ठीक है। इसमें जो होता है, जो पीरियड होता है जिसकी आपको होते हैं टू क्रॉप हार्वेस्टिंग, टू क्रॉप हार्वेस्टिंग, इतना टाइम मिलता है इसमें, और इसमें मिलता है मैक्सिमम वन ईयर। कहने का मतलब ये है, जिस दिन आपका ड्यू हो, ड्यू होने के बाद भी टू क्रॉप हार्वेस्टिंग, अगली दो क्रॉप तक आपको पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, तब तक एनपीए नहीं होता है। लेकिन सुगर केन की बात करें, सुगर केन इस बार आपका सुगर केन खराब हो गया, तो आपको पूरा एक साल मिल रहा है, उस एक साल के बाद नहीं जमा करते हैं तो आपका फिर वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। सीसी अकाउंट की बात करते हैं, सीसी अकाउंट में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो मोर देन 3 मंथ का ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। अगर हम डिमांड लोन की बात करें, जो अगेंस्ट सिक्योरिटी होते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हैं, जैसे एनएससी है, एफडी है, ये वो सिक्योरिटी हैं जिसके अगेंस्ट में आरबीआई के अकॉर्डिंग आप क्या है एनपीए डिक्लेयर नहीं करते हैं। और एनपीए डिक्लेयर नहीं करते हैं कब तक? जब तक उसका रियलाइजेबल वैल्यू, क्या बोला? रियलाइजेबल वैल्यू आपके लोन आपका कम होना चाहिए। रियलाइजेबल का मतलब जितने में वो सेल हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, और उसके अलावा जो बिल्स होते हैं, बिल्स में जो उसका प्रेजेंट करने के प्लस 90 दिन, और जो यूजांस बिल होते हैं उसमें यूजांस पीरियड, उसमें कौन सा होता है यूजांस पीरियड प्लस 90 डेज तक होते हैं, ठीक है।
और गारंटी का भी ऐसे है, जिस दिन एग्जीक्यूट होनी है उस गारंटी के 90 डेज तक वो एक्सेप्ट किया जाता है। ऑफ का अकाउंट आप लोग पूछ रहे थे, एडवांस अंडर कलेक्शन अकाउंट, एडवांस अंडर कलेक्शन अकाउंट। इसमें क्या होता है, जब आपका अकाउंट एनपीए होता है तो आप लोग अपनी क्लीन बुक्स में से हटा देते हैं उसको, लेकिन कहीं और पे रख लेते हैं जब आप लॉस वगैरह राइट ऑफ करते हैं तो, और उसमें लेकिन रिकवरी के प्रयास आपके जारी रहते हैं, तो अपनी बुक को क्लीन करने के लिए ऐसा कर। केसीसी वाले में है, जब उसकी क्रॉप ड्यू होती है उसके बाद जो उसका पीरियड है टू क्रॉप हार्वेस्ट, दो फसलों तक आप उससे वेट कर सकते हैं, अगर तब तक भी नहीं रहता तो उसके बाद आपको उससे पैसा मतलब एनपीए बनाना।